छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। इन उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी और जहां से एक दो दिन में इनके नामों पर फैसला हो जाएगा। हमारे पास कुछ संभावित उम्मीदवारों के नाम है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगले दो तीन दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो जाएगी। हमें सूची के कुछ उम्मीदवारों के संभावित नामों की जानकारी मिली है। इसके मुताबिक खैरागढ़ विक्रांत सिंह या कोमल जंघेल, डोंगरगढ़ से राजेश खांडेकर या विनोद खांडेकर, राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगांव से नीलू शर्मा या डॉक्टर नीरेंद्र साहू, खुज्जी से राजेंद्र भाटिया या मधुसूदन यादव, केशकाल से रामेश्वर उसेंडी या महाप्राण पुरोहित, कोंडागांव से लता उसेंडी या संजय कन्नौजे, नारायणपुर से केदार कश्यप, मोहला मानपुर से संजीव साह या शिवराज कुशरे, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी, भानुप्रतापपुर से परमानंद टेटे या ब्रह्मानंद नेताम, कांकेर से हीरा मरकाम, बस्तर से दिनेश कश्यप या जबिता मांडवी, जगदलपुर से संतोष बाफना या कमलचंद भंजदेव, चित्रकोट से बैदूराम कश्यप या लच्छू कश्यप, दंतेवाड़ा से दैदू भाटी या भीमा मंडावी, बीजापुर से महेश गागड़ा, कोंटा से सोयम मुक्का या मौसमी मट्टी। तो ये कुछ संभावित उम्मीदवारों की सूची थी। हालांकि इनमें कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकांश नामों को यथावत रखा जाएगा।